गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर का एक्सरसाइज नंबर 21D चल रहा था। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक हमने कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करना था। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाउ मेनी एनवलप कैन मेड आउट ऑफ द सीट ऑफ पेपर जिसका जो मेजरमेंट दिया हुआ है 3 meter 24 centimeter by 1 meter 72 centimeter। इफ ईच एनवलप रिक्वायर अ पीस ऑफ पेपर ऑफ साइज 12 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि आपको बताना है कि नंबर ऑफ एनवलप इस पेपर शीट से कितना बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। इसको जो जो बातें लिखी हुई हैं इसके बारे में वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर था आपका ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखिए पहले हम सबसे पहले लेंथ की बात कर लेंगे। लेंथ ऑफ जो शीट है, शीट का जो लेंथ दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, जो शीट का लेंथ दिया हुआ है वो लिखेंगे लेंथ ऑफ बिग शीट। ठीक है, वो गया 3 meter और 24 centimeter। अब 3 meter और 24 centimeter में दिया हुआ है तो इसको हम एक जैसे यूनिट में करेंगे कन्वर्ट। एक जैसे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेंगे। जब इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 324 centimeter। अब ये 324 centimeter कैसे हुआ है ये उसको समझ में आ रहा होगा जो कंटिन्यूसली मेरी वीडियो देख रहा होगा। ब्रेथ की बात कर लेते हैं। ब्रेथ ऑफ बिग शीट 1 meter 72 centimeter। ठीक है, 1 meter 72 centimeter को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे कम्प्लीटली तो ये हो जाएगा 172 centimeter। मतलब एक बिग शीट दिया हुआ है उसका जो ब्रेथ है, ब्रेथ मतलब ये वाला पार्ट, वो है आपका 1 meter 72 centimeter एंड जो लेंथ है वो दिया हुआ है 3 meter 24 centimeter। ये हो गया, इतना क्लियर है सबको। अब एरिया निकाल लेंगे, पहले हम बड़े वाली शीट का एरिया निकालेंगे। तो चलिए एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ बिग शीट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ आपका कितना हमने कैलकुलेट किया, इतना, और ब्रेथ इतना। ठीक है, तो 324 into 172 centimeter square। ये हो गया। अब देखो अगर इसको हम यहाँ सॉल्व कर देंगे और अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन, तो हमारा कैलकुलेशन जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और हम इसको ईजिली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे ऐसे। अब हम आगे देखते हैं। अब छोटे वाले शीट की बात करते हैं, लाइक छोटे वाले लेंथ एनवलप की बात करते हैं। ठीक है, कि मतलब एक जो एनवलप है वो, मतलब अगर शीट से हम एक एनवलप बनाते हैं तो उसका, एक छोटा एनवलप बनाते हैं तो उसका क्या मेजरमेंट है। ये 18 हो गया, ये 12 हो गया। तो मतलब टेक्निकली हमें निकालना ये है कि कितने नंबर ऑफ एनवलप ऐसे मेजरमेंट वाले बनेंगे। ओके, तो चलिए इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। इसके लेंथ ऑफ एनवलप की बात कर लेते हैं, इज इक्वल टू 18 centimeter, और ब्रेथ हो गया इसका 12 centimeter। ओके, अब इसका भी हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे एज इट इज़ एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, चलिए इनटू 12 centimeter square। अब ये 12 centimeter square हो गया और यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए जब भी नंबर निकालना हो, अगर सपोज आपके आगे क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे बोल रहा है कि अगर गिवन एरिया है उस पे हमें ब्रिक लगानी है, तो ब्रिक की साइज इतनी है तो आप बताइए नंबर ऑफ ब्रिक कितना लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7th ऐसा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि अगर गिवन क्या नाम है, पेपर शीट दिया हुआ है आपको और जो पेपर शीट के से जो एनवलप बनेगा उसका मेजरमेंट ये है, तो आप नंबर ऑफ एनवलप बताइए। तो इसको करने का सिंपल ट्रिक ये होता है कि आप नंबर ऑफ एनवलप इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग शीट अपॉन एरिया ऑफ वन स्मॉल शीट। ओके, तो एरिया ऑफ बिग शीट हमने कैलकुलेट कर लिया, एरिया ऑफ वन स्मॉल शीट भी यहाँ कैलकुलेट हो गया है। चलिए देखते हैं, बिग शीट का एरिया यहाँ लिख देंगे अपॉन स्मॉल शीट का लिख देंगे। अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे जितना आपका आएगा उतना होगा नंबर ऑफ एनवलप, और ये आप करेंगे कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से करेंगे, पेन चलाएंगे कोई भी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ये रही आपकी टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि अ रूम इज 12.5 meter लॉन्ग एंड 8 meter वाइड। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ अ साइड 8 meter इज लेड ऑन इट्स फ्लोर। फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड। मतलब एक रूम है, ठीक है, देखिए ऐसे देखने की कोशिश कीजिए। एक आपका ये रूम है, सपोज ये आपका स्टडी रूम है जिसमें आप पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं पढ़ाई। ठीक है, तो देखिए अगर ये आपका कारपेटेड एरिया है, ये एरिया है जहाँ कारपेट बिछी हुई है, और ये वाला जो एरिया है यहाँ कारपेट नहीं बिछी हुई है।
तो हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है कि यहाँ बताइए, और इसका जो दिया हुआ है जो बीच वाला जो कारपेट है उसका बोल रहा है कि स्क्वायर है, और उसका जो साइड्स है वो 8 मीटर है, और ये जो रूम है इसका जो दिया हुआ है लेंथ 12.5 मीटर, और जो ब्रेथ दिया हुआ है वो 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है पॉइंट्स उसको हम एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं, और जो डाटा दिया हुआ है उसको एज इट इज़ नोट कर लेंगे। प्लीज़ इग्नोर माई हैंड राइटिंग, क्योंकि मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ जल्दी जल्दी। अब देखिए, आगे देखिए, अब जो लेंथ है, लेंथ ऑफ फ्लोर कितना दिया हुआ है 12.5 मीटर, और ब्रेथ ऑफ फ्लोर कितना दिया हुआ इज इक्वल टू 8 मीटर। ये निकाल लेंगे हम एरिया, एरिया कितना हो जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट करोगे तो एरिया हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। मैं कैलकुलेशन नहीं करा रही, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे कैसे हो रहा है। तो चलो, अब ये जो रूम है ये तो रेक्टेंगल की बात हो गई, अब साइड्स दिया हुआ है, साइड्स दिया हुआ है तो साइड्स ऑफ कारपेट निकाल लेंगे हम, मतलब ये स्क्वायर में हुआ तभी तो साइड दिया हुआ है, तो कारपेट का कैसे निकालेंगे 8, ठीक है स्क्वायर हो गया, ये 64 हो गया, इतना क्लियर है सबको। आगे देखते हैं, अब एरिया ऑफ फ्लोर नॉट कारपेटेड ये निकालेंगे। अब एरिया ऑफ फ्लोर जो कि कारपेटेड नहीं है इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर और को जो एरिया ऑफ कारपेट है उसे माइनस कर देंगे। सपोज ये क्या बोल रहा है, जो मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए एरिया ऑफ फ्लोर नॉट कारपेटेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू 100 माइनस 64। ये देखो और ये देखो, इन दोनों को उठा के माइनस कर देंगे एक साथ, तो ये जगह 36 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया कारपेटेड नहीं है उसका एरिया हमने निकाल लिया, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये इतना क्लियर हो गया आपका, आपको आराम से तसल्ली से पेन पेपर लेके बैठ के सॉल्व करना क्वेश्चन का एक एक लाइन पढ़ के, बहुत ईजी है, बहुत आराम से हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाओगे कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देखो अ लेन 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड इज टू बी पेव्ड विद ब्रिक्स ईच मेजरिंग 22.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ब्रिक बताओ कितना रिक्वायर्ड होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे लेन का। जब आप लेन का लेंथ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 मीटर, ब्रेथ निकालेंगे लेन का तो ये हो जाएगा 9 मीटर, ब्रेथ हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये ये 1500 होगा, 1500 सेंटीमीटर ये हो जाएगा ब्रेथ। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो ब्रिक वाले जो कितना ब्रिक लगाना है वो जो एरिया गिवन है उसका लेंथ हो जाएगा लेन का वो 15000 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ब्रेथ जो हो जाएगा 900 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ लेन निकाल लेंगे इन दोनों से, एरिया ऑफ लेन निकालेंगे इसका तो ये हो जाएगा 1350000। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको ये आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी। अब उसके बाद अब एक ब्रिक का एरिया गिवन है, ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ वन ब्रिक, ठीक है ये देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ब्रिक जो है छोटा सा उसका लेंथ और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, उसका जो लेंथ और ब्रेथ है वो आपका है 22.5 × 7.5। अब इसको जब आप सॉल्व मैंने क्या बोला था कि जब भी कैलकुलेशन हमें निकालना होगा ये वाली क्वेश्चन में देखिए, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज हम लास्ट में ला के सॉल्व करेंगे तो ईजी होगा कैलकुलेशन आपका ऐसे करना। अगर मैंने कॉम्प्लेक्स कर दिया होता इसको तो आपको ये प्रॉब्लम होती इसको सॉल्व करने में। अब देखिए हमारा ये निकल गया, एक ब्रिक का निकल गया और एक उस एरिया का लाइक उस एरिया उस लेन का एरिया निकल गया। अब दोनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू एरिया ऑफ लेन अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल टू 135 अपॉन 22.5 × 7.5। इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो नंबर ऑफ ब्रिक निकल जाएगा। तो ये रहा आपका आज के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। इसको मैंने सॉल्व किया है, आप इसकी कैलकुलेशन खुद से करेंगे तभी चीज़ क्लियर होगी आपको। थैंक यू क्लास।